टाइम भी ज्यादा हो गया है अभी, क्योंकि रास्ते में पानी नहीं है, तो यहाँ पे आपको नजदीक पानी मिल जाएगा, सब हाँ व्यवस्था हाँ हो गया हाँ ठीक है। फिर बिल्कुल बिल्कुल। आधे रास्ते में आप कहाँ जाओगे जब पानी? यहाँ पे जंगली जानवरों का भी थोड़ा खतरा रहता है, तो चलते चलते आवाज़ करते करते आगे चलते देखते कहाँ पे पानी है। तो मैडम जी का ना पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह से, मतलब ट्रैक करके। जंगल में बर्तन ये नीचे अपना गांव है, और ये सामने देखिए ये जोशी मठ, सामने के जो पहाड़, अभी बादल लगे हुए हैं लेकिन जो मौसम है बिल्कुल मस्त वाला भाई। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास वाली आग जली हुई है, साथ में बना हुआ है पनीर और भात। काले आदमी को काला बर्तन मिला है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत सीधे अपने गांव से। तो दोस्तों अष्टमी का समापन भी कल हो चुका है, और फिर से आज एक नया ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि अष्टमी के बाद 6 तारीख को हम चना वैली जाने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल दुकान में जा रहा हूँ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, और जिनको लेकर के अभी हम चना वैली जा रहे हैं वो भी शायद पहुँचने वाले हैं नीचे दुकान तक। तो उनको लेकर के मुझे वहाँ से यहाँ तक आना है, फिर यहाँ से शैलेश भाई, मैं और बाकी जो हमारे साथ ऊपर आने वाले हैं वो एक साथ हम ऊपर जाने वाले हैं। कदे दूर भी स्कूल जाना है? अच्छा, मैं जब दुकानों तक जाऊँ। दोस्तों अभी मैं तो आ चुका हूँ घर, क्योंकि जो आ रहे हैं वो अभी थोड़ा सा पीछे है, जहाँ से हमारे गांव की रोड कटिंग है ना, जहाँ से मतलब कच्ची रोड स्टार्ट होती है, अभी वो वहाँ पहुँच रहे हैं। तो उनको लगभग अभी आधा से 1 घंटा लग जाएगा। मैंने कहा तब तक घर चलते हैं, तब तो हल्की फुल्की हमारी तैयारियाँ भी हो जाएगी, है कि नहीं? A few moments later. तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं गांव से, लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऊपर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। और जिन भैया लोगों की अभी बात कर रहे थे, भैया लोग भी 11, 11:30 बजे के आसपास घर पहुंच चुके थे। तो अभी काफ़ी ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। एक बार आप लोगों को भैया जी लोगों से और एक बहन भी है उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं आप लोगों को। तो पिंकी, पिंकी है तो बहन का नाम है पिंकी, और भैया अमित, अमित भैया। तो भैया जी तो अपने लोग कर लिए है सामने पणमड़ गांव के, आप लोग देहरादून प्रॉपर? वैसे चमोली की हूँ मैं, देवाल रहती। अच्छा अच्छा अच्छा, रहते देहरादून हो। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह का ट्रैक आज हमारा ये रहता है। उम्मीद तो है कि बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे टाइम 11 बज रहा है और अभी थोड़ा सा धूप हो रहा है, बाकी चलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भैया? बढ़िया ना, चलो देखते हैं। कोशिश तो आज पूरा चनाब पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं किस तरह से चल पाते हैं। क्यों भैया? यार नीचे पे एक दादाजी मिले ना, तो उन्होंने ककड़ी दी थी, तो वही ककड़ी हम यहाँ पे खा रहे हैं, और ककड़ी खाते हैं उसके बाद निकलते हैं। हेलो भाई, कैसा लग रहा? बढ़िया। तो ऐसा है दोस्तों कि आज हम यहीं पे रुके हैं, आज हम नाइट स्टे यहीं पे करने वाले हैं। अभी लगभग नीचे से हम 4 किलोमीटर आ चुके हैं, और इतना ही अभी चना वैली तक हो रहा है। अभी 2:30 बज चुका है, तो शायद अभी नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों? तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से। दोस्तों पानी की दिक्कत भी है ना यहाँ पे, अगर आप लोग भी कभी चनाब वैली आते हो तो कोशिश करना कि अगर जल्दी आप पहुँचते हो तो चनाब वैली पहुँच सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आप पहला स्टे यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमको पानी मिल सकता है। थोड़ा सा दूर पे पानी है, लेकिन यहाँ से ऊपर और चनाब वैली के बीच में अगर हम कहीं पर फंसते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं मिलने वाला है। तो अभी आज यहीं पर रुकेंगे, यहीं पर टेंट लगे हम लोग लगेगा हम लोगों का। बाकी हमको यहाँ पे चाचा जी भी मिले हैं, तो चाचा जी ने हमको बताया कि यहाँ से ऊपर अभी ठीक नहीं है जाना, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। टाइम भी ज़्यादा हो गया है अभी, क्योंकि रास्ते में पानी नहीं है, तो यहाँ पे आपको नज़दीक पानी मिल जाएगा, सब व्यवस्था ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आधे रास्ते में आप कहाँ जाओगे जब पानी अंधेरा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पर रह सकते हैं, ये 3 सेट के अंदर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ लकड़ी है, पानी है, बिस्तरा है, सब कुछ है। अब यह है कि ये लोग तो मतलब पहली बार यहाँ चनाब वैली मारे, तो इनको तो टेंट ही लगाना है। हम लोगों का क्या, हम टेंट लगा भी सकते हैं, अगर टेंट नहीं लगाएंगे तो हम 3 सेट के अंदर भी ले लेंगे। क्यों भाई है? पर हम भी टेंट ही लगाएंगे, हमने भी कौन सा आज तक यहाँ टेंट लगा रखा। आप रह सकते हैं, आपने कोशिश से टेंट लगा रहे तो आप लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा दोस्तों, आप कभी यहाँ पे आते हो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि चाचा जी यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ये चाचा जी लोगों का ही यहाँ पे टीम सेट है, वन विभाग, फॉरेस्ट विभाग का। तो चाचा जी फॉरेस्ट विभाग में ही है, तो चले हम भी थोड़ा सा टेंट लगाते हैं, जगह ढूंढ रहे एक बार कहाँ पे ज्यादा बेहतर टेंट। Don't leave me here high and dry. Oh.
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. बर्तन धोने की भी दिक्कत नहीं है भाई, सारे मिलजुल के काम करने वाले। एक भाई उधर लकड़ी काट रहा है, लकड़ी कर रहा है, दीदी यहाँ पे बर्तन धो रही है, भैया जी यहाँ पे वीडियो रील्स बनाने में फोटो खींचने में लगे हुए, सब अपना है। सुबह तक हो जाएगा, उसके बाद ऊपर का एक दो बोतल रखेंगे ना ऊपर के लिए पीने के लिए। हाँ ये भी है, अभी तो थोड़ा बहुत तो खाली हो ही जाएगा, चाल चुल बन जाएंगे तो खाली हो ही जाएगा। खाली तो अब खाली होने में क्या टाइम लगता है, शाम को थोड़ा सा खाना बनेगा, बर्तन धुलेंगे, बर्तन ऐसे खाली हो जाएंगे। हाँ चलो फोटोग्राफर जी, वीडियो ब्लॉगर जी, बर्तन धुलवा दो। बिल्कुल मैम, ये लो। तो मैडम जी का ना पहले फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह से, मतलब ट्रैक करके। तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कुछ यूनिक होना चाहिए। क्यों पूरा भर दो इसको। तो दोस्तों अभी शाम का 5 बज चुका है और अभी मैं आप लोगों को यहाँ से नीचे का व्यू दिखाता हूँ, गांव का और सामने का। इतना प्यारा व्यू दिख रहा है ना, ये देखिए, वाह। ये नीचे अपना गाँव है और ये सामने देखिए, ये जोशी मठ, सामने के जो पहाड़, अभी बादल लगे हुए हैं, लेकिन भाई साहब व्यू है बिल्कुल कमाल का, बहुत मस्त प्यारा व्यू। तो सुबह के टाइम पे शायद ये वाला व्यू आपको और ज़्यादा बेहतर दिखेगा। यहाँ से नीचे देखिए ना, सबसे पहले खाई देखो यहाँ से, ये यहाँ नीचे ऐसा लग रहा है कि बकरी वाले रहते थे होंगे। नीचे देखो बहुत मस्त, अगर कभी किसी के पास टेंट ना हो ना तो वो यहाँ नीचे इसके अंदर भी रह सकता है, बहुत मस्त है। लेकिन भाई साहब व्यू जो यहाँ का है बिल्कुल कमाल का। सबसे बढ़िया बात यह है कि मौसम बिल्कुल बढ़िया है, बारिश अभी तक बिल्कुल भी नहीं लगी है और उम्मीद करेंगे कि परसों तक बारिश ना लगे, क्योंकि कल हम यहाँ से चनाब वैली जाएंगे, कल पूरा चनाब वैली एक्सप्लोर करेंगे और परसों शायद हम, शायद क्या परसों ही हम वहाँ से नीचे निकलेंगे। बाकी शैलेश भाई और वो भैया जी और जो बहन आ रही है वो सारे ऊपर अभी टेंट पर आराम कर रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर थोड़ा सा मैं वीडियो एडिट भी करना था और अपलोड भी करना है, क्योंकि यहाँ पर नेट अच्छा चल रहा है तो यहीं पर वीडियो अपलोड हो सकता है, क्योंकि कल चनाब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, वहाँ पे वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो देखेंगे अगर वहाँ वीडियो अपलोड होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो सीधे घर आकर के जितने भी वीडियोस बनाई है घर आकर के एडिट करके अपलोड करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा लेट में आएगा लेकिन बहुत अच्छे ब्लॉग आप लोगों को चनाब वैली के मिलेंगे, किस तरह का आजकल चनाब वैली में है वो पूरा अपडेट आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से देंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पर अपना पावर बैंक से फ़ोन चार्ज हो रहा है, यहाँ पर आते ही ना फ़ोन लो गया, किस्मत इतनी ख़राब, सुबह उठते ही लाइट निकल गई और जब तक हम ऊपर आ रहे थे तब तक लाइट नहीं आई थी। तो चलो बढ़िया है, अपना जो पावर बैंक है वो चार्ज हो रखा था, शैलेश भाई का भी चार्ज हो रखा है, अगर इसकी कमी पड़ेगी तो शैलेश भाई का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल अभी हम थोड़ा सा वीडियो एडिट करते हैं इस शानदार से व्यू के साथ, ये देखिए, वाह। अपना घर ना यहाँ पे, ये यहाँ पे अपना घर है।
कर दूं मेरे ऊपर मत सीखना। ये लो देवता ही है मेन, मेन तो देवता ही है, उनकी वजह से तो यहाँ पे बैठ रखे। बात खत्म हो गई। तो दोस्तों अभी रात की 7:30 हो चुकी है, यहाँ पे हम लोगों की फर्स्ट क्लास मस्त वाली, हम लोग मतलब हम लोग क्या, हम सारे, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास वाली आग जली हुई है, साथ में बना हुआ है पनीर और भात। काले आदमी को काला बर्तन मिला है। सबके लिए काला है ना, मेरे लिए केवल। अरे चलो कोई बात नहीं, सब चलेगा क्यों। तो अभी दोस्तों अभी खाते हैं, और फिलहाल तो अभी आज का दिन भर, आज की रात फिलहाल कट चुकी है, तो मिलेंगे आप लोगों को फिर से कल के नए मज़ेदार ब्लॉग में, क्यों शैलेश भाई। तो फिलहाल तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का दिन भर का जितना भी जो भी आज का हमारा सफ़र था होगा आप लोगों को पसंद आए हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे आप लोगों को एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।